गर्मी काफी ज्यादा नहीं होगी? मॉनसून स्टार्ट है, उम्मीद करते हैं कुछ मौसम में बेहतरी आएगी। तो सर ये आजकल जो गर्मी के मौसम में जो आजकल गर्मा गर्म न्यूज चल रही है मेट्रो सिटी में, मेट्रो गुजर खान, इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? मेट्रो सिटी बिल्कुल लॉन्च कर दी गई है, दो तीन दिन पहले इसको लॉन्च किया गया और इसकी लॉन्चिंग के बाद इसकी वेबसाइट दो दफ़ा क्रैश कर चुकी है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक है और इतना क्लाइंट है जो जानना चाहता है इस हवाले से। वो मेरे ख्याल में मुझे भी काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, आप उनमें से वाहिद नहीं है जो मुझसे ये सवाल करें। डेली बेसिस पे मुझे कॉल मौसूल भी हो रही हैं और मैं अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, उनके सवाल भी यही हैं और बिल्कुल लॉन्च कर दिए ये, आपने बिल्कुल ठीक समझा। अभी मेरे भाई इसकी लोकेशन वगैरह का थोड़ा सा मुझे अपडेट करेंगे, लोकेशन इसकी एग्जैक्टली कहाँ पे चल रही है? ये इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है, प्राइम इस वजह से है कि मेन जीटी रोड पे ये मौजूद है, गुजर खान की मेन जीटी रोड पे इसका फेज़ वन का एक्सेस है और लोकेशन के हवाले से परफेक्ट सोसाइटी है, जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को आप फ्रूटफुल बना सकते हैं, आप प्लस में लेके जा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। मेरे ख्याल में लोकेशन इसकी बहुत क्लास। एक्सेस आप जीटी रोड से ही देंगे या साथ लिंक रोड शुरू करिए? बिल्कुल इसकी मेन रोड से एक्सेस है, इसी वजह से इसकी लोकेशन की वजह से इसकी हाइक है, लोकेशन बहुत अच्छी है। सही। और मुझे मेरे भाई एक और चीज़ ये बता दें, अभी इसका क्या बुकिंग का और डेवलपर इसके फिलहाल कौन है? मुझे बुकिंग से पहले डेवलपर्स की अगर बात करें तो BSM ग्रुप इसका डेवलपर्स हैं और मलिक बिलाल साहब इसके CEO हैं, और देखा जाए इनका जो रिकॉर्ड है पुराना उसके अंदर ये गवादर गोल्फ सिटी पहले डिलीवर कर चुके हैं, इसके साथ साथ खारिया सिटी भी ये डिलीवर कर चुके हैं, इनका तीसरा प्रोजेक्ट है। और जो पहले दो प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप कभी विज़िट होता है तो आप देखेंगे तमाम सोल्ड आउट हैं और वहाँ पर लोग रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको उस प्रोजेक्ट में भी मिला है। इसके बाद तीसरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आपको बेहतर मालूम होगा कि ये मलिक रियाज साहब के नवासे हैं जिसकी वजह से ये चाइल्डहुड से ही इसी फील्ड के अंदर हैं, उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के बिना पर ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है जो मार्केट की अभी प्रायोरिटी पे है और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं वो उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, बुकिंग्स कम हैं और डिमांड ज़्यादा है। बुकिंग का क्या प्रोसीजर है मेरे? बुकिंग का अभी जो प्रोसीजर ये है कि सिंपली आपके डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होंगे और क्योंकि लिमिटेड प्लॉट होने की वजह से अभी कोटा जो है वो बहुत कम दिया गया ऑथोराइज डीलर्स को। याद रहे कि आप जिससे भी इन्वेस्टमेंट करें, आप जहां से भी इन्वेस्टमेंट करें, ये देख लेंगे वो ऑथोराइज हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत मिनिमम कोटा दिया गया इसकी तरफ सोसाइटी की तरफ से। तो तरीकाकार नहायत आसान है, आप बुकिंग की डाउन पेमेंट हमें फ्राहम करेंगे, नॉमिनल सा एक इस पर प्रॉफिट है वो अदा करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की कॉपी देंगे, आप अपनी पिक्चर देंगे और नेक्स्ट ऑफ किन हमें फ्राहम करेंगे, उनकी डिटेल्स हम आपकी बुकिंग बिल्कुल इसमें करवा देंगे। आप उमर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मार्केट में ये कुछ डिस्काउंट्स की भी सीन चल रहा है तो उसमें आप क्या कहेंगे उमर? देखिए मार्केट में बहुत से स्कैम पहले भी आए हैं, आपने बहुत से स्कैम सुने भी होंगे, आपने डबल शाह और बहुत से ऐसे तस्करे सुने भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी लिमिटेड इन्वेंट्री होने की बिना पर मार्केट में बहुत से स्कैम हैं, क्योंकि अभी इसकी फाइल्स नहीं है, अनकरीब फाइल्स आएंगी, अभी टोटल रिसीविंग पे काम चल रहा है, तो तमाम तर ऑथोराइज वो अपनी रिसीविंग्स दे रहे हैं और अगर आप देखेंगे वो ऑथोराइज नहीं है तो आप कभी भी अपनी मेहनत की कमाई भी जो पैसे हैं वो कभी उनके पास ना जाएं, कभी उनको ना दें, क्योंकि उससे आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। हम अभी कोटा कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है, जिस बिना पर इसमें अभी प्रॉफिट मार्केट में चल रहा है, तो मेरी गुजारिश फिर से आपसे ये है कि जो भी ऑथोराइज्ड हों उनके डॉक्यूमेंट्स देख लें, उसके बाद उनसे बुकिंग करवाएं। अब हमारे पास आते हैं, हम आपको बुकिंग के तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। अभी उमर आप दरमियान वाली बात का मुझे फाइल नहीं दे रहे, तो मैं अगर आपको पैसे दूँ तो फिर आप मुझे देंगे क्या उसके लिए? देखिए अभी फिलहाल तो हम आपकी बुकिंग अपने डॉक्यूमेंट्स में करेंगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में करेंगे और इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले चंद दिनों में हमें फाइल्स मिल जाएंगी तो हम आपके सबमिशन फाइल पे करेंगे। अभी हम आपको प्रॉपर अपनी कंपनी के रिसीविंग्स देंगे और जो हमारा कोटा है उस बिना पर, और इंशाल्लाह ताला आपकी बुकिंग आपको करवा के देंगे। तो इसमें मेरे भाई रेट्स का थोड़ा भी मुझे आइडिया देंगे, रेट्स क्या सीन चल रहे हैं? 519,90,000 का है, ठीक है, उसकी जो बुकिंग है वो 4.5 लाख रुपए प्लस प्रॉफिट है। इसी तरीके से बाकी रेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इसमें 10 मरला की कटिंग है, 7 मरला की और कनाल की, ये 4 कटिंग अभी अवेलेबल है। इसमें कमर्शियल का क्या सीन है उमर अभी तक? कमर्शियल अनकरीब है, इंशाल्लाह उम्मीद है 4 मरला और 8 मरला ही लॉन्च करेंगे ये, लेकिन जैसे ही वो भी लॉन्च होता है आपको उसके आपके साथ वो भी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल रेजिडेंशियल ही लॉन्च किया गया है। कितनी बुकिंग, मैं मिसाल के तौर पे भी अगर मैं मल्टीपल बुकिंग्स लेना चाहूँ तो क्या सीन हो सकता है?
मुझे आपसे फेवर ये चाहिए होगा, मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे, मुझे बताएंगे कितनी बुकिंग चाहिए, मैं अपना कोटा चेक कर लूँगा और कोटे के मुताबिक कमिट कर सकूँगा, क्योंकि वजह ये है कि कोटा बहुत कम है और बुकिंग्स की तादाद ज़्यादा है। क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गुजर खान में कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया है, और गुजर खान की सराउंडिंग अगर आप देखें तो मैक्सिमम ओवरसीज़ हैं, वहाँ पर जितने भी वहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं वो बाहर ममालिक में रहते हैं, तो जिस बिना पर उनका रिस्पांस बहुत ज़्यादा है। कोटा कम होने की वजह से हमें जो रिस्पांस वहाँ से आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारा कितना कोटा है, उसके मुताबिक हम बुकिंग करवा रहे हैं। यार आपने ना दो तीन दफ़ा मुझे सेम वर्ड कोटा यूज़ किया, मतलब इतना कम, मैं मानता हूँ मार्केट में बहुत हाई है लेकिन कोटा इतना लिमिटेड है कि मुश्किल है मिलना सबको। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अभी तक जो टोटल लैंड अप्रॉक्सीमेटली है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार कनाल है। बहुत सी सोसाइटीज़ देखी होंगी 10-15 हज़ार कनाल से स्टार्ट होती हैं और धड़ाधड़ उनकी फाइल्स मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। एट द एंड होता ही है क्लाइंट को प्लॉट नहीं मिल पाता, वो एक स्कैम बन जाता है। ठीक है, तो इस स्कैम से बचने के लिए और प्रीवियस इनका जो एक्सपीरियंस है उस बिना पर ये लोग एक्स्ट्रा फाइल्स की तरफ नहीं जा रहे, और एक बहुत अच्छी बात है कि ये कम फाइल्स की तरफ जा रहे हैं और जितनी उनके पास ज़मीन है उसके मुताबिक ही अलॉटमेंट कर रहे हैं, जिस बिना पर हम अभी फिल वक्त लिमिटेड स्लॉट के साथ हैं, आपको भी इंशाल्लाह उसी में एंटरटेन करेंगे। आपने दूसरा मिनट जी आप ऑथराइज से कॉन्टेक्ट करें, अनफॉर्चुनेटली आप जिससे भी सोशल मीडिया पर देखें या फिर जिससे भी आपकी कॉल मैसेज जितने चल रहे हैं हर बंदा अपने आपको ऑथराइज बोल रहा है, देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि वो ऑथराइज है नहीं है, क्या स्टेटस होगा? देखिए ऑथराइजेशन के लिए ऑथराइजेशन का पेपर होना, डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अब इस तरीके से सोशल मीडिया में स्कैम भी बहुत हैं और ठीक लोग भी बहुत हैं, आपको चाहिए आप जहाँ से भी बुकिंग करवाने एटलीस्ट उनकी ऑथराइजेशन का जो पेपर है, जो कोटा उनको दिया गया है उसके मुताबिक अपनी वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, इस तरह आप कभी भी किसी को पैसे ना दें। तो मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लें। उमर थैंक यू सो मच फॉर टाइम माय फ्रेंड, लेट मी रिव्यू दिस कंसर्न और इंशाल्लाह मैं आपसे इनक्रीज बुकिंग करवाता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू amanat.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।